तेलंगाना की वजीर बराए ख़वातीन और अतफाल बहबूद नासरी अनसोया, जिसे सीतक्का के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 18 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा प्रजा भवन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली अहमद मलाला और कौसर मुहियुद्दीन के हमरा 17 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 172 खवातीन में 3.44 करोड़ रुपये के चेक तकसीम किए, जो हुकूमत तेलंगाना की मदद के इकदाम के हिस्से के तौर पर है। इस प्रोग्राम का मकसद मूसा नदी के तरक्याती मनसूबे से बेघर होने वाले ख़ानदान और मुतासरीन की रोज़ी रोटी को बेहतर बनाने के लिए डबल बेडरूम वाले मकानात और नकद खर्च फराहम करना है। तकसीम की तकरीब के दौरान सीतक्का और मजलिस के अराकीन असम्बली ने ख़ानदानों की नकल मकानी के चैलेंजों को तस्लीम किया, लेकिन दरियाए मूसा से लाहक सैलाब के खतरात की हकीकतों को समझने की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत इन ग्रुपों में हर खातून को 2 लाख रुपये के कर्ज की पेशकश कर रही है, जिसमें 1.40 लाख रुपये माफ़ किए जा रहे हैं और इनके लिए 60,000 रुपये बाकी रह जाते हैं। वजीर सीतक्का ने ख़वातीन की हौसला अफजाई की कि वो कारोबार शुरू करने के लिए इस माली इमदाद को इस्तेमाल करें, और इस बात का जिक्र किया कि ख़वातीन के ग्रुपों को मुख्तलिफ कारोबारी इकदाम के लिए सिलाई मशीनें भी फराहम की जाएंगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो लोग मूसी के अंदर तकलीफ के अंदर हमेशा थे, खासतौर पर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जब भी मैडम वहाँ पर मूसी के दरवाजे या उसे हिमायत सागर या उस्मान सागर के दरवाजे खुलते तो हम हमेशा हमारी आवाम के दरमियान में जाते और कहते कि पानी आ रहा, आप लोग खाली करिए। फिर लोग को ले आकर कम्युनिटी हॉल में, मस्जिद में वगैरह रखते, ये लोग गवाह है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, हाथ उठा के बोल। ये तक हमने इनसे वादा किया था कि डबल बेडरूम के अंदर इनको दिलाएंगे। वहाँ पर सैदाबाद के भी है ना, उधर पीछे साइलो एक्स, हाँ। तो बहरहाल मैक्सिमम हमारे मलकपेट से मुसीबत के अंदर जो थे वो लोग को शिफ्ट किया गया है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, जिस लोगों को सैदाबाद चंचलगुड़े के पास शिफ्ट किया गया, वहाँ पर तकरीब लोगों को वहाँ पानी का प्रॉब्लम था। अब पानी का प्रॉब्लम नहीं है, खाली पीने का पानी का है। वो आपको जो पानी आ रहा वो भी नल का है, घर में खाली एक फिल्टर भी लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने वादा किया था कि नीचे आप लोगों को एक RO वाटर प्लांट लगा कर दूंगा वहाँ पर मैं, और इसके साथ साथ कल वहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल का भी इनॉग्रेशन हुआ। आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों को भी वहाँ पर एडमिशन दिलाए गए हैं। और हुकूमत ने जो ऐलान किया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और छोटे मोटे रिपेयर्स करने के लिए 25,000 रुपये जो हर घर वाले को देंगे, वो पेंडिंग है, वो दिए जाएंगे। फिलहाल हुकूमत ने 2 लाख रुपये UCD डिपार्टमेंट से लोन के तहत देने का ऐलान किया है। हमने हुकूमत से भी गुजारिश की है, ये 2 लाख में से 1,60,000 रुपये फ्री है, भरने की जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको वापस भरना है सिर्फ 40,000 रुपये। अच्छा, 1,40,000 रुपये फ्री है, 60,000 रुपये आपको वापस भरना है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मैं मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में 2,000 सीविंग मशीन है, वो सब लोगों को एक सीविंग मशीन दिला दीजिए मैडम। सब लोगों को एक मशीन भी दिला दीजिए ताकि घर में ये लोग। थैंक यू मैडम, बोलिए देंगे वो मशीन भी कपड़े। और बहरहाल आपकी जो भी तकलीफ है, हुकूमत और हम खासतौर पर मजलिस और अजहर साहब ने हमेशा ये सोचा है कि हमारे लोगों को जहाँ कर भी जो भी तकलीफ है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी अपनी तकलीफ है। मेरे पास जो तकलीफ थी, मेरे लोगों की तकलीफ देखना हमारा काम है, हम देखे हैं, और लोगों की तकलीफ को एक्सवे करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसी तकलीफ है, उनकी तकलीफ के हिसाब से वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। बहरहाल एक मूसी प्रोजेक्ट आ रहा है, हम शहर के अंदर मजलिस की तरफ से हमने उसका इस्तकबाल किया है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि जो भी लोगों को जो भी नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई। महిళా గ్రూపులకు 17 రకాల వ్యాపారాలు ఇస్తున్నాం, మహిళా శక్తి క్యాంటీన్లు గాని, అదే విధంగా సోలార్ గాని,
మన మెహందీ పెట్టడం కూడా మే ఏమంటారు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక 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 పెళ్లి అవుతుందంటే డెకరేషన్ ఒకరికి మా పెళ్లి కూతుర్ని తయారు చేయడం పెళ్లి ఇట్లా తర్వాత బట్టలు కుట్టడం మెషిన్లు కూడా ఇస్తాం మెషిన్లు కూడా ఇస్తాం తర్వాత మీకు బట్టలు కూడా కుట్టు కూలి మీరు లోకల్ గా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అది కాకుండా యూనిఫామ్ పిల్లలు ఏదైతే మన పిల్లలు స్కూళ్ళలో పోతే మనం ఫ్రీగా పిల్లలకు యూనిఫామ్ ఇస్తున్నాం అది ఇంతకుముందు ఎవరో ఎక్కడో ఒకరిద్దరు కుట్టేది కానీ మొన్నటిసారి మొత్తం మహిళా గ్రూప్లకే ఇచ్చాం ఈసారి కూడా మూసి పరివాక ప్రాంతంలో నిర్వాసితులైనటువంటి మా మహిళలకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వాళ్ళకే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చి మరి గతంలో 50 రూపాయలే ఉండే కుట్టుగోలు ఇప్పుడు 75 రూపాయలు పెంచడం జరిగింది తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తాం మీరు చిన్న చిన్న చిరు వ్యాపారాలు కూడా పెట్టుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా మీకు తోడుగా ఉంటాం ఎప్పుడు ఇతరుల మీద డిపెండ్ కాకుండా మీ దగ్గర ఇంకొక 4 మనుషులను పెట్టుకొని మీరు పని కల్పించే విధంగా మా సపోర్ట్ ఉంటుంది మహిళా సంఘం నుంచి అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అదే విధంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లలో కూడా మీకు హాస్టల్స్లలో కూడా మన పిల్లలకు ఫ్రీ అడ్మిషన్స్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం ప్రథమ ఎందుకంటే మీరున్న ప్రాంతాన్ని వదిలి వేరే కాడ పోయి ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఆ లిస్ట్ లో వీళ్ళ నేమ్స్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు షిఫ్ట్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనేది ఒక జీవో లాగా లేదా కాన్సెప్ట్ ఏర్పాటు చేసుకొని మీకు ప్రత్యేకంగా స్కూల్ అడ్మిషన్స్ కూడా మీ పిల్లలకు ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ అందరికీ మరి నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు ఎప్పుడు కూడా మీకు తోడుగా మహిళా శాఖ నుంచి కానీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ నుంచి కానీ అదేవిధంగా మన జిహెచ్ఎంసి నుంచి మేమందరం ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటాం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మీ పట్ల పూర్తిగా సానుభూతి సానుకూలత మీరున్న ప్రాంతాన్ని వదిలిపోవడం అనేది खुशी हो रही है बहुत इतना खुशी से मैं बोल नहीं सक रही कुछ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का एहसान है जितना भी शुक्र अदा करो कमी है हमारा सब बहुत सुकून है बहुत सुकून है पहले परेशानी हुई मगर अब सुकून किस बात की परेशानी किस बात की पानी आ रही थी हर साल का हटो हटो फिर आओ का ऐसा घरों में पानी गुजरा सामान खराब अब ऐसा है कि अब छत आ गया तीन आ जाके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही आज और चेक भी मिला और बड़ी बहुत खुशी हो रही समझो किस बात का चेक मिला जी किस बात का चेक मिला इस बात का चेक वो लोन का था ग्रुप के तो जी ये नुमाइंदगी कौन करे आपकी बलाला साहब शफी सभी साहब है ना बराबर बोलना पड़ता जी जो हमको करे बराबर कैसा भूल सकते हाँ भैया बयान नहीं कर सकते अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से सो रहे कोई टेंशन नहीं है हाँ वहाँ नदी का नहीं थे टेंशन ही थी अब आदत हो गई थी 50 साल हो गया ना अब नया जम गया समझा अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के लिए भी कुछ करें बोलते हैं तेलंगानवाड़ी का आगाज करें बलाला साहब आपका नाम जी मैं फैमुनिसा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बलाला साहब का कि हर वक्त हमारे पास आ जाते थे उन्होंने नदी आती तो हम लोगों को नीचे से निकाल के ऊपर ले लेके जाते थे चलो चलो बोल के हर साल होता था हमारे साथ और अब बोले तो हमारे को बोल के घर दिलाओ नो डबल बेडरूम बहुत बहुत शुक्रिया हम अब चैन से रह रहे और शफी साहब भी आते थे हमारे हर वक्त मुसीबत में हर मुसीबत में आते थे बोले तो क्या हुआ लड़ाई भी हुई तो आते थे कुछ बच्चे पुलिस स्टेशन में भी गए तो जाके निकालते थे शफी साहब और बलाला साहब भी आते थे अब हम लोग को 2 लाख का चेक भी मिला क्या करने वाले बहुत अब उससे कुछ नया कारोबार करेंगे और मुसी में रहते थे बहुत नीचे रहते थे ना उन लोगों को एक रूम था उन लोगों को भी डबल बेडरूम मिला तो वो शुक्रिया अदा करते और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आंगनवाड़ी कल खोले साहब आए थे बलाला साहब और पढ़ाई की भी कुछ भी फिक्र नहीं है अब सब चीज़ हो गया हम आपको पानी की सहूलत सब सब कर रहे अभी भी आ रहे बलाला साहब हम लोग जहाँ शिफ्ट हुए वहाँ आते रहे बोले वो बराबर हो रहा तो हम सब कर रहे हो रही है तो जो वादा करे वादा हो रहा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बलाला साहब का शुक्रिया Thank you.
नहीं नहीं है।